हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 3 से मैरी गोल्ड इंग्लिश बुक का यूनिट 10, उसका चैप्टर 10 जो है शिप ऑफ द डेजर्ट, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। पहला सेगमेंट है रीडिंग इज फन। व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। उसको शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेगिस्तान की गर्म रेत होती है, भरी दोपहरी में वो उस पर आसानी से चल लेता है। ऑल्दो द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर हिम। कहने को रेत बहुत गर्म होती है, आप उसमें पैर नहीं रख सकते, लेकिन कैमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ही कैन वॉक ओवर वेरी कंफर्टेबली। वो बड़े आराम से उस गर्म रेत पे चल लेता है। फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? कितने हफ्तों के लिए कैमल जो है अपने हम्प में फूड जो है उसको स्टोर कर सकता है? तो कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन हिज हम्प। 2 हफ्तों के लिए कैमल अपने हम्प में फूड स्टोर कर सकता है। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? अब कैमल जो है डेजर्ट में क्या खाता है? कैमल यूजुअली ईट थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान के अंदर, कैमल जो है जनरली वो ही खाता है। अब है यहाँ पर चूज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। किसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं? लायन, कैमल, क्रैब या टाइगर? आंसर है कैमल। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब जंगल का राजा कौन है? लायन, मंकी, आउल, क्रोकोडाइल? आंसर इज लायन। फिर द फीट ऑफ द कैमल आर। जो पैर होते हैं, जो फीट होते हैं कैमल के, वो कैसे होते हैं? थिक एंड पैडेड, थिक एंड फैट, लॉन्ग एंड फैट, थिन एंड पैडेड। उसका सही जवाब है थिक एंड पैडेड। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। ना तो कोई नदी होती है, ना तालाब होता है। कहाँ पर? प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स या डेजर्ट्स? आंसर है डेजर्ट्स। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। अब एक समय में कैमल कितना पानी पी लेता है? 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 400 बॉटल्स ऑफ वाटर, 100 बॉटल्स ऑफ वाटर, 300 बॉटल्स ऑफ वाटर। आंसर है 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। एक बार में 200 बोतल पानी पी सकता है। अ कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स। अब कैमल जो अपना खाना है वो कहाँ स्टोर करता है? स्टमक, लेग्स, हम, लिप्स। आंसर है हम। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड बिल्डिंग। मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। The first one is done for you. एक वर्ड में से आपको और बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। तो पहला जिसे दिया है रोरिंग, तो रोरिंग से क्या क्या बन रहा है इसमें? इन, रैन, रोर। अब आप चाहें आप अपनी तरफ से जो वर्ड आपको मन में आए आप वो बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा है फ्राउनिंग, ऑन, फॉर, विंग। ब्लिंकिंग, इन, इंक, लिंक। वंडरिंगली, नो, वन, रिंग। फिर मैच द पिक्चर्स विद द गिवन वर्ड्स बिलो। पिक्चर्स को इन वर्ड्स के साथ मैच करना है। हम आपको करेक्ट आंसर बता रहे हैं। फर्स्ट से मेन, पॉ, हूफ, बीक, फीट, विस्कर्स, फिन, टस्क। लेट्स राइट। लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। अब यहाँ पर आपको 2 गोट्स दिख रही हैं पिक्चर में, जो कि एक लॉग के ऊपर यानी लकड़ी के लट्ठे के ऊपर खड़ी हैं, नीचे पानी बह रहा है। इनको देखकर आपको इनके बारे में लिखना है। तो क्या है? Both the goats coming from the opposite direction. दोनों ही goats opposite direction से आ रही हैं. Were on the narrow bridge and want to cross it. दोनों की दोनों एक पतले से ब्रिज पे हैं और दोनों उसको पार करना चाहती हैं. One goat can cross at one time. अब एक बार में एक ही goat पार कर सकती है, यानी एक को पीछे जाना पड़ेगा, तब पहले दूसरी निकल जाए उसके बाद वो आए. Both of them don't want to go back and started fighting with each other. अब दोनों ही जो हैं पीछे हटना नहीं चाहती. जैसे होता है ना, तुम पीछे जाओ मैं क्यों जाऊँ, तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। As a result, both of them slip and fell into the river. नतीजा क्या होता है? दोनों स्लिप कर जाती हैं और पानी के अंदर बह जाती हैं। अब है टॉक टाइम। रीड दीज वर्ड्स अलाउड, पेइंग अटेंशन टू द स्पेलिंग्स। आपको इन वर्ड्स को जोर से पढ़ना है। इसमें आप स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए। जो प्रोनंसिएशन है वो एक जैसा ही है, लेकिन स्पेलिंग फर्क है। तो आप सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड। हर एक वर्ड से फिर आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे है आई आई, वीक वीक, इन इन, नो नो, नॉट नॉट, ऑफ ऑफ, बाय बाय, आर आर, नीड
need, see, see, hear, hear, eight, eight, two, two. सबकी साउंड सिमिलर है लेकिन स्पेलिंग फर्क है. आई वॉन्ट टू गो फॉर माई आई चेकअप. माई हेल्थ इज टू वीक टू ज्वाइन द ऑफिस दिस वीक. आर फ्रेंड्स आर लाइकली टू अराइव इन एन आवर. माई यंगर सिस्टर नीड्स हेल्प टू मीट द डॉग. द ट्रैवलर्स वर रिलैक्सिंग इन द इन. आई कैन सी द वास्ट सी फ्रॉम द टेरेस. नो वन नोज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पजल. यू कैन कम एंड सिट हियर टू हियर द स्पीच क्लियरली. I did not tie the knot in the cloth. I ate my dinner at 8 o'clock last evening. Please turn off the switch of the fan. The two children are too young to go to the park alone. Neeta was passing by my desk when she greeted me by. तो इस तरीके से सारे sentences को आप बना सकते हैं. Finally है team time. Find out which animals lives in icy cold region and second is hot wet region. तो एनिमल्स लिविंग इन आईसी कोल्ड रीजन्स आर कौन कौन से हैं? पोलर बेयर, पेंगुइन्स, आर्कटिक फॉक्स, स्नो लेपर्ड एटसेट्रा. ये जो है आईसी कोल्ड रीजन में बहुत ज्यादा बर्फीली जगह पे पाए जाते हैं. दूसरा है एनिमल्स लिविंग इन हॉट वेट रीजन्स. इसमें है फेनेक फॉक्सेस, साइड विंडो स्नेक्स, डंग बीटल्स, मैक्सिकन क्योटोस और थॉर्नी डेविल लिजर्ड्स. तो ये थी आपके चैप्टर की एक्सरसाइज. आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल Asa Education. Bye.